19 मई को Amazon Prime ने फैमिली मैन सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज किया था अपने YouTube चैनल पर। ये शो पॉपुलर हुआ था सीजन 1 की सक्सेस के बाद, जिसमें स्टार मनोज बाजपेयी हैं। Amazon Prime के हिसाब से इसका पहला सीजन इंडिया में सबसे पॉपुलर Amazon ओरिजिनल सीरीज थी, और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ये ट्रेलर रिलीज हुआ था तो वो YouTube ट्रेंडिंग पर नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गया था। पर ये ट्रेलर एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था, ट्विटर पे, पर गलत कारणों की वजह से। #FamilyMan2 अगेंस्ट तमिल्स ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो अपना Amazon Prime अकाउंट डिलीट कर देंगे। कुछ लोगों ने तमिल एक्ट्रेस समांथा अक्किनेनी से क्लैरिफिकेशन भी मांगी। इस कॉन्ट्रोवर्सी की जड़ है कि इस ट्रेलर के हिसाब से जो विलन्स हैं सीरीज में वो अलेजेडली तमिल स्पीकिंग टेररिस्ट हैं। मिशन अक्किनी रेडी जाने राजी। आई थिंक वी आर। और जब भी किसी तमिल आर्म ग्रुप की बात होती है तो लोगों के दिमाग में बस एक नाम आता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी कि LTTE। एक आम ग्रुप जो तमिल्स के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था श्रीलंका में, पर वही ग्रुप जिसने राजीव गांधी को असैसिनेट किया था। The world's largest democracy under threat after the assassination of India's Rajiv Gandhi. India is in chaos tonight. Former Prime Minister Rajiv Gandhi assassinated, its election suspended, troops and violence on the street. ये समझ निकले कि कुछ तमिल लोगों ने इतना strongly क्यों react किया Family Man के trailer के खिलाफ, हमें श्रीलंका की complexity समझनी होगी और हमें ये समझना होगा कि LTT का क्या role रहा है श्रीलंका की history में। Her flag is the flag of freedom. Her citizens dedicated to the preservation of that freedom. जिस हिंसा के पैरोकार प्रभाकरण थे उसका अंदाजा श्रीलंका के बाहर के लोगों के लिए लगा पाना मुश्किल है। India dominated the headlines in the world this week with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Late today, Sri Lankan special forces reportedly ambushed and killed the leader of the Tamil Tigers. Strange and primitive, this spectacle out of a dark and mystic past. Another fascinating page in the story of this land of lore and legend. कई सदियों से श्रीलंका में बस छोटे छोटे किंगडम्स थे। ये चेंज हुआ अर्ली 16th सेंचुरी में, जब उधर पोर्चुगीज आए और उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया एक्सेप्ट किंगडम ऑफ कैंडी पर। पोर्चुगीज से छुटकारा पाने के लिए किंगडम ऑफ कैंडी ने डच लोगों की मदद मांगी, पर इवेंचुअली एक कॉलोनियल पावर दूसरी कॉलोनियल पावर से रिप्लेस हो गई और फिर हमारे पुराने दोस्त अंग्रेज श्रीलंका की इस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने डच को हरा दिया और फिर श्रीलंका पर कंट्रोल ले लिया। अब उस टाइम सिलोन में, जो श्रीलंका का पुराना नाम था, उधर करीब 30 लाख सिन्हलीज थे जो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, और 3 लाख तमिलियंस जो मोस्टली हिंदूज थे। पर इस पॉपुलेशन में बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला था। इसका मेन कारण था tea estates or plantations make a green garden of the rolling hills. Here again, Tamil Indian girls do the picking, selecting only the small tender leaves at the top of the bush. अंग्रेज करीब 10 लाख तमिल लोगों को इंडिया से लेकर आए लेबरर्स के तौर पे। इनिशियली वो उनसे कॉफी प्लांटेशंस पर काम करवाते थे, पर जब श्रीलंका की पूरी कॉफी नष्ट हो गई एक बीमारी से, फिर उनको टी प्लांटेशंस में काम करवाया, और फिर ये चाय का व्यापार अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग हो गया था। अब ये चाय की इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो कर रही थी कि अंग्रेजों को बस कुछ टेम्प्रेरी लेबरर्स की जरूरत नहीं थी, बल्कि परमानेंट लेबरर्स की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने इन लेबरर्स को परमानेंटली उधर प्लांटेशंस में ठहरा दिया था। तमिल लोगों की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से उनके बीच और सिन्हलीज लोगों के बीच एक डिवाइड क्रिएट हो रहा था, और ये डिवाइड थोड़े टाइम में और बढ़ने वाला था। ब्रिटिश सरकार की जो भी सिविल सर्वेंट की पोजीशंस थी, उधर अंग्रेज तमिल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, स्पेशली वो तमिल्स जो जाफना रीजन से थे। ये दो कारणों की वजह से था। पहला कि अंग्रेज लोग तमिल लोगों को जानते थे, उनकी ठीक ठाक इक्वेशन थी उनके साथ, क्योंकि मद्रास अंग्रेजों की सबसे पुरानी कॉलोनी थी रीजन में। दूसरा कारण था कि जो जाफना के तमिल्स थे वो बेटर प्रिपेयर थे ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए,
अंग्रेजों के आने से पहले श्रीलंका में स्लेवरी यानी कि गुलामी मौजूद थी, पर अंग्रेज इस चीज को हटाना चाहते थे ताकि दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस कम हो जाए श्रीलंका पर, इसलिए नहीं कि वो श्रीलंकन लोगों की परवाह करते थे। अब कई श्रीलंकन तंबाकू की इंडस्ट्री में काम करते थे, क्योंकि स्लेवरी खत्म हुई उसी वजह से तंबाकू की इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। इसी के साथ जाफना के कुछ तमिल लोगों ने सोचा कि यार खेती बाड़ी में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। पर उन्होंने ऐसा ही किया, और वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि जाफना में कई अमेरिकन मिशनरी थे जो तमिल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, और उन्होंने कई इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल सेटअप करे थे। इसलिए 19th सेंचुरी श्रीलंका में जाफना के लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे, और इसी की वजह से अंग्रेज ये मानने लग गए कि जो तमिल लोग हैं वो एडवांस्ड लोग हैं, जबकि जो सिनलीज लोग हैं वो बैकवर्ड लोग हैं। इसके साथ ही साथ अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को पुश देने लग गए और बुद्धिज्म को दबाने लग गए, वही रिलीजन जो ज्यादा सिनहलीज फॉलो करते थे। अंग्रेजों के टाइम ज्यादा वायलेंस नहीं हुआ था सिनहलीज और तमिल लोगों के बीच, पर जो टेंशन थी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच वो मौजूद थी, और कुछ टाइम बाद वो उभर के आने वाली थी। On a goodwill visit to Ceylon, the cruiser Norfolk joins in the Crown Colony's independence celebrations. Like its harbor, Colombo streets are dressed up to mark this great day. 1955 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिन्हलीज और तमिल भाषाओं को इक्वल स्टेटस मिलेगा, पर इस अनाउंसमेंट के बाद सिन्हलीज लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, क्योंकि सिन्हलीज लोगों का मानना था कि वो इतने टाइम से दबे हुए थे, और जब उनको पावर मिली है और श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया है तो कम से कम सिन्हलीज और बुद्धिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए जब 1956 में दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास किया, जिससे सिन्हला सरकार की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, क्योंकि सिन्हलीज लोगों का मानना था कि अगर उनकी भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तो कुछ साल बाद उनकी लैंग्वेज और उनका कल्चर डूब सकता है, क्योंकि श्रीलंका एक लौता देश है जहाँ इतने सारे सिन्हलीज लोग हैं। पर तमिल लोगों के लिए ऐसा नहीं है, कई तमिल लोग तो कुछ किलोमीटर दूर ही है श्रीलंका से। अब ये आर्ग्यूमेंट आपको थोड़ा सुना सुना सा लगेगा, पर खैर छोड़िए, ये दूसरे वीडियो का विषय है। इस एक्ट की वजह से तमिल लोगों की जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ा। इसे सरकारी जॉब्स में तमिल लोगों का कंट्रीब्यूशन 15 साल में बहुत कम हो गया था, उनकी पॉपुलेशन के कंट्रीब्यूशन से भी कम। पर तमिल्स के बीच सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा इंडियन तमिल्स को। श्रीलंका में जो तमिल्स हैं वो या तो जाफना से हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के पहले से हैं, या फिर वो जिनको अंग्रेज लेकर आए थे। जो इंडियन तमिल कम्युनिटी थी उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो लेबरर्स थे, और ये सिचुएशन और खराब हो गई थी ऑफिशियल सिन्हला एक्ट की वजह से। इसके साथ ही साथ बुद्धिज्म को एक हायर स्टेटस दिया गया 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और कई सिन्हलीज लोग तमिल लोगों की जमीन पर रीसेटल्ड होने लग गए। पर अगर आप सोच रहे हैं तो हम अभी भी श्रीलंका के बारे में ही बात कर रहे हैं। 1978 के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव जरूर हुआ था, क्योंकि दोनों तमिल और सिन्हला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया था, पर इसके बावजूद जो डिविजन्स थे वो बहुत गहरे हो गए थे, जिसकी वजह से एक मिलिटेंट ग्रुप LTTE की स्थापना हुई नॉर्दर्न श्रीलंका में। LTTE तमिल के कुछ नौजवान लोगों ने फॉर्म किया था, जिनका ऑब्जेक्टिव था एक नया देश बनाने का श्रीलंका में, जिसका नाम था ईलम। LTTE की फॉर्मेशन के बाद श्रीलंकन सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास करी। इस एक्ट से सरकार को बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी किसी को भी अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट और कोर्ट हियरिंग के लिए। 1980s में श्रीलंका में वायलेंस बहुत बढ़ गया। जब LTTE कोई भी वायलेंस करती तो सरकार और फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करती, और ये साइकिल चलता रहा। ऐसा हमने देखा था 1983 में, जिसको तमिलियंस ब्लैक जुलाई बुलाते हैं, जब LTTE ने 13 सोल्जर्स को मार गिराया, तब तमिल्स के खिलाफ मास वायलेंस स्टार्ट हो गया। इसमें आम लोग भी इन्वॉल्व थे, हजारों तमिल मारे गए, उनकी दुकानें और घर जलाए गए, और कई लोग तो बिना नामो निशान के गायब हो गए। इसी वजह से कई तमिल लोग मानने लग गए कि वो बस तभी सेफ होंगे जब उनको एक इंडिपेंडेंट देश मिलेगा, और इसी वजह से LTTE के अटैक उल्टा और बढ़ गए। 1985 में उन्होंने एक अटैक किया अनुराधापुरा में, जो श्रीलंका का कल्चरल कैपिटल था, और जहां करीब 100 लोग मारे गए। और LTTE बस एक मिलिटेंट ग्रुप ही नहीं रहा, बल्कि वो ऑलमोस्ट एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गए श्रीलंका के नॉर्दर्न एरियाज में। जैसे उनका एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था जो स्कूल भी चला रहा था। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि LTTE खुद दूध में धुले हुए थे। तमिल के नौजवान लोगों को ऑलमोस्ट मजबूरन LTTE को ज्वाइन करना पड़ता था। इनफैक्ट कई तमिल परिवारों को पैसे देने पड़ते थे LTTE को, ताकि उनके बच्चे उनके ग्रुप को ना ज्वाइन करें। और इसी वजह से कई तमिल लोग दूसरे देश चले गए, स्पेशली इंडिया।
बस तमिल्स ही नहीं भुगते, श्रीलंकन मुस्लिम्स को भी इस बुद्धिस्ट सिनहलीज और हिंदू तमिल्स के बीच लड़ाई में भुगतना पड़ा। तमिल्स की इंडिया में बढ़ती इमिग्रेशन की वजह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट गारंटीड हो गई थी, पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पोजीशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि इंडियन सरकार को लोकल तमिल पॉपुलेशन को आश्वासन दिलाना था कि वो तमिल इश्यू के बारे में कुछ करेंगे। इसी वजह से मई 1982 में जब दो LTTE ऑपरेटिव्स अरेस्ट हुए थे मद्रास से, तब श्रीलंका ने उनकी कस्टडी मांगी थी, पर इंडियन सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इनफैक्ट इंडिया ने LTTE के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी सेटअप करे थे हमारी जमीन पर। पर साथ ही साथ इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी का मानना है कि इंडिया एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए मदद करता है उन लोगों की जो डिफरेंट भाषा बोलते हैं और जिनका रिलीजन डिफरेंट है, तो जो पंजाब में सिख लोग हैं और नागालैंड में नागा लोग हैं, जिसके बारे में हमने एक रीसेंट वीडियो में बात करी थी, उनको एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी बन जाएगा अपना देश बनाने के लिए। तो इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो LTTE को इतना सपोर्ट देंगे कि श्रीलंकन सरकार पर दबाव आए कि वो एक्चुअली तमिल लोगों के बारे में कुछ करें, पर इतना सपोर्ट नहीं कि एक नया देश बन जाए श्रीलंका। पर इसी वजह से इंदिरा गांधी के लिए ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, पर उनके पॉलिटिकल करियर में कई डिसीजंस में से ये बस एक क्रिटिकल डिसीजन था। ऐसे कई डिसीजन थे जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, पर अगर आप ऐसे डिसीजंस के बारे में और जानना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली कुकू FM ऐप कंसिडर करनी चाहिए। इस ऐप में कई ओरिजिनल पॉडकास्ट हैं, हिंदी में ही नहीं बल्कि कई रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे मराठी, बंगाली और गुजराती। और एक ऑडियो बुक जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है इंदिरा गांधी की जिंदगी के बारे में। इस ऑडियो बुक से आप सीख सकते हैं कि उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस ने उन पर क्या प्रभाव डाला, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी और उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे 1971 की वॉर के दौरान जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई। और कुकू FM पर ऐसे ढेरों ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स हैं। इसका एनुअल प्लान बस 399 रुपीज, ये एक एक्चुअल बुक की कॉस्ट से भी कम। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, जिसकी वजह से इसका डेली प्राइस हो जाता है 1 रुपए से भी कम। तो इस ऐप को जरूर चेकआउट करें, इतने कम दाम में आपको इतनी सारी रिसोर्सेज मिल रही है। तो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। अब श्रीलंका की कहानी पर वापस आते हैं। क्योंकि इंडिया LTTE को सपोर्ट देने लग गया, इसकी वजह से श्रीलंका खुश नहीं था इंडिया से, इसीलिए वो पाकिस्तान, चाइना और US की तरफ चले गए सपोर्ट मांगने के लिए। इससे इंडिया खुश नहीं था क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई और पावर उनके रीजन में आ जाए। पर जहां अब तक इंडिया का LTTE के लिए सपोर्ट सीक्रेट था, एक इंसिडेंट की वजह से वो इतना सीक्रेट नहीं रहा। 1987 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लिबरेशन लॉन्च किया वडा मराची को कैप्चर करने के लिए, जो LTTE का अड्डा था। इस ऑपरेशन की वजह से कई श्रीलंकन तमिल्स मारे गए, और जो इंडिया में तमिल्स से उन्होंने सेंट्रल सरकार पर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया रिएक्ट करने के लिए। इसलिए इंडिया ने ऑपरेशन गार्डलैंड लॉन्च किया रिस्पांस में, जहां स्टार्टिंग में उन्होंने 20 बोट्स भेजी खाने, तेल और मेडिसिन के साथ, पर उनको श्रीलंकन नेवी ने रोक दिया। फिर इंडिया ने कार्गो प्लेन्स भेजे उनके फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, जिन्होंने श्रीलंकन एयर स्पेस को एंटर किया, ये सामान ड्रॉप किया और फिर वो वापस आ गए। अब श्रीलंका ऑब्वियसली इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया ने उनकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी का उल्लंघन किया है। अब इंडिया के इस मिशन का ऑब्जेक्टिव बस खाना या फिर तेल ड्रॉप करने का नहीं था, बल्कि वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो इंडियन सरकार से और बुरा रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इंडिया और श्रीलंका ने एक अग्रीमेंट साइन किया, जहाँ इंडिया एक पीस कीपिंग फोर्स भेजेगी जाफना में एक सीज फायर एस्टैब्लिश करने के लिए, पर इंडियन फोर्सेस वायलेंस पर काबू नहीं कर पाई। और जहां पहले वायलेंस श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE के बीच हो रहा था, अब वो वायलेंस इंडियन फोर्सेस और LTTE के बीच होने लग गया, पर इस वायलेंस की वजह से जाफना के कई तमिल्स मारे गए, जिसकी वजह से इंडियन फोर्सेस एक्चुअली अनपॉपुलर हो गई थी तमिल्स के बीच। करीब 3 साल में 1000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर शहीद हुए और इंडिया को करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अल्टीमेटली इंडिया को अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ा, पर इंटेंशन की वजह से एक बहुत बुरा अंजाम हुआ। 12 मई 1991 को राजीव गांधी एक इलेक्शन रैली के लिए गए थे तमिलनाडु के श्री परम्बुदूर में। राजीव गांधी लोगों की तरफ जा रहे थे और इन लोगों के बीच एक महिला थी जिसने ऑरेंज सलवार कमीज पहनी थी और वो राजीव गांधी पर एक माला डालना चाहती थी। जब राजीव गांधी उस महिला की तरफ आए तो एक पुलिस कर्मचारी ने उस महिला को राजीव गांधी के पास आने से रोकने की कोशिश करी, पर राजीव गांधी ने कहा कि सबको उनसे मिलने का एक चांस मिलना चाहिए। उस महिला ने उन पर माला डाली और उनके पैर छूने के लिए वो झुकी। जैसे ही वो झुकी, उस महिला ने एक सुइसाइड वेस्ट जो उसके सलवार कमीज के नीचे थी उसको ट्रिगर कर दिया, जिससे राजीव गांधी और कई और लोग की मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दी श्रीलंका में, पर इसकी वजह से श्रीलंका में पीस नहीं आया, LTTE वायलेंस करती रही और उन्होंने 2 श्रीलंकन प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करी और एक के खिलाफ वो कामयाब भी हो गए।
वायलेंस एंड हुआ 2009 में जब श्रीलंकन आर्मी ने पूरी तरह नॉर्दर्न श्रीलंका पर कंट्रोल ले लिया था। उन्होंने एलटीटी को हराया और उनके लीडर प्रभाकरन को मार डाला। और जहां एक टाइम इंडिया एलटीटी को सपोर्ट दे रहा था, अब उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिए। श्रीलंकन सिविल वॉर के एंड होने के बाद ही लोगों को पता चला कि कितनी ह्यूमन राइट वायलेशंस करी थी श्रीलंकन आर्मी ने ये वॉर जीतने के लिए। कई इंसिडेंट लाइमलाइट में है, रेप के, टॉर्चर के, और जहाँ बच्चों को भी मारा गया है, इंक्लूडिंग प्रभाकरन के 12 साल के लड़के को। पर अनफॉर्चुनेटली श्रीलंकन सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, और जो रूट प्रॉब्लम थी सिविल वॉर की वो भी सॉल्व नहीं करी है। जैसे यूएन के हिसाब से अभी भी तमिल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है श्रीलंका में। इसके अलावा अभी भी मिलिट्री भारी तादाद में तमिल एरियाज में मौजूद है और उनके बीच लगातार डर रहता है कि उनको मारा या फिर अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब चाहे इंडियन सरकार का रवैया न्यूट्रल है, ऐसा इंडिया के तमिल्स के साथ नहीं है। जैसे पिछले साल तमिल एक्टर विजय सेतुपति के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई जब ये अनाउंस किया गया कि वो श्रीलंकन तमिल क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के ऊपर एक पिक्चर में काम करेंगे, क्योंकि कई इंडियन तमिल्स मानते हैं कि मुरलीधरन ने तमिल लोगों की कॉज को इतना समर्थन नहीं दिया। और जो रिसेंटली हमने सोशल मीडिया पर सपोर्ट देखा है एलटीटी के लिए, वो एक उदाहरण है कि श्रीलंकन तमिल्स का मुद्दा अभी भी जीवित है उनके लिए, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाती।